So, hello everyone. So, this is Shashank Singh, and currently I am a programmer analyst trainee at Cognigent. और यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे C++, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरी एक आपकी लेक्चर सीरीज होने वाली है C++ के ऊपर, जो कि बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बेसिक से होगा, लेकिन एकदम जो है अगर आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको आपके लिए नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो है आपके जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो गया, या फिर जो है आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोडिंग के या फिर सूडो कोड होते हैं उनके लिए है। कि आपने अगर मैं बोलूं कि यार आपको जो है कहीं से ये चीज़ पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़नी है, तो उन चीज़ों में मैं यहाँ पर उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एकत्रित करके आपके लिए लाया हूँ। ये अगर मैं बोलता हूँ कि यार आपको जो है कुछ चीज़ें ही करनी है, ठीक है, आपके पास इतना ही सिर्फ टाइम है कि आप जो है 2 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप जो है यही वाला जो लेक्चर सीरीज है पूरा इसको देखिए। अब देखिए ये जो है मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो कि मैंने जो है अपने खुद इन्फोसिस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, SCL हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, और वेरी क्राफ्ट हो गया, और काफ़ी कंपनीज हैं, इन सभी के इंटरव्यू वगैरह हमने क्लियर किया है। तो इन सभी के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मेरे, इसके बेस पर मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। और यार एक्चुअल में क्या है ना कि आपके 80-90% जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और 10% हो सकता है यार कि वो कुछ अलग ही पूछ दें, लेकिन जो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं वो सभी के सभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है पूरे पूरे लेक्चर सीरीज को देखना है, और यार इसमें क्या है कि आपको जो है खुद की खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चंस तो करा दूंगा, ठीक है, ऐसा भी रहेगा कि जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियोज़ पूरी देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि यार मुझे जो है ना उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं कि उससे रिलेटेड उसके आसपास भी भटकते हुए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनके जवाब दे सको, उनको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये नहीं करना कि यार ये जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे मैं बोल दिया कि यार फिबोनाची सीरीज पे अगर आपको करनी है और मैंने यहाँ पर दे दिया, समझा दिया, ऐसा नहीं करना कि यार ये तो मुझे गूगल पे मिल जाएगा या फिर कहीं मिल जाएगा। नहीं, आपको क्या करना, आपको पूरे के पूरे देखने हैं, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता रखा है और क्या चीज़ें हैं जो इसमें से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब जो मोस्टली हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो ये नहीं बोलती कि यार आपको जो 4 लैंग्वेज आनी चाहिए, 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, वो सिर्फ चाहती हैं कि आपको सिर्फ कोई एक लैंग्वेज आती हो जिसमें आपकी थोड़ी ठीक ठाक पकड़ हो, ठीक है। तो अगर आपको सी आती है, C++ आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, कोई भी एक लैंग्वेज हो जो आपको जो है ढंग से थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको C++ आती है तो C++ आप कर लीजिए। वहाँ पर जो है जब इंटरव्यू आप देते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि यार वो बोलते हैं कि आपके कौन सी लैंग्वेज जो है आप जो भी कोड लिखना चाहते हो कौन सी लैंग्वेज में, तो आप जो उनको बताते हो कि मुझे C++ में लिखना है या फिर जावा में लिखना है, तो उसके उससे रिलेटेड वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और फिर आप जो है उसका कोड लिखते हो वहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ एक लैंग्वेज आपके लिए काफ़ी है, बस ये होना चाहिए कि यार उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आप दे सको, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि यार मुझे जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है मैं क्या करूं, आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक लैंग्वेज सफिशियंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये 3 पर्सपेक्टिव से आपके बना रहा हूँ कि आपके सूडो कोड होते हैं वो भी आप इससे सॉल्व कर सको, ठीक है, आपके जो हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उनको भी आप सॉल्व कर सको, और आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी आप जवाब दे सको, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे जिससे कि आपको जो किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे मान लो कि सूडो कोड आपको देखना होगा, ठीक है, या फिर आपने सूडो कोड तो यार आपका हो जाएगा, जैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आप सूडो कोड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कोड जब आपको लिखना होता है तो कोड लिखने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको चाहिए होती है कि यार आपके पास जो है ना क्या आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी चीज़ होती है आपकी कि आपको जो है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है नहीं, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि उस टूल के बारे में क्या आपको पता है। अगर मान लो कि आपके पास जो है कोई कपड़ा है फटा है, ठीक है, तो कपड़ा फटा है एक प्रॉब्लम हो गई, अब उस चीज़ को आप सही कैसे करते हो, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है कि यार हमारे पास जो है हथौड़ा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हथौड़ा है, हमारे पास कैंची है और हमारे पास सुई भी है,
अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो आप कपड़े की सिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सिलाई यानी कि लॉजिक, सिलाई कैसे करना है ये तो हो गया आपका लॉजिक, लेकिन आप जो है किस चीज़ का यूज करोगे, कौन से टूल का यूज करोगे, वो तभी यूज कर पाओगे जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है कि जो हमारे C++ लैंग्वेज है क्या है, ये हमारा एक टूल है, ठीक है। और जो हमें लॉजिक क्रिएट करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो लॉजिक तो बाद में आप क्रिएट करोगे ना, जब तक कि आपको टूल के बारे में ही नहीं पता है आप लॉजिक नहीं क्रिएट कर सकते। तो सबसे पहले हमें टूल के बारे में जानना है, फिर हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपके काफ़ी बार ऐसे होता है कि यार हमें कुछ अलग भी लॉजिक क्रिएट करना पड़ सकता है, बट हमें वो तभी हो पाएगा जब हमें C++ यानी कोई एक लैंग्वेज की हमें नॉलेज होगी अच्छे से, और टूल्स हमें पता होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया हमारा, बहुत ही मैं बता दिया आपको बेसिक चीज़ें कि यार ऐसे ऐसे करनी है। अब क्या करना है कि हम बहुत ही बेसिक से यहाँ पर C++ को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है C++ का, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये लेक्चर होगा ना, ये अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम C++ पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो ना देखें, ठीक है। अब यार ये एक्चुअल में कुछ ऐसा निगेटिव चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हम काफ़ी थोड़ा सा फास्ट पेस में चलेंगे, हम इस तरह से समझाएंगे कि यार एक बंदे ने एक बार इसको पढ़ रखा है C++, एक बार एक बंदे ने पढ़ रखा है उसके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, और दूसरी चीज़ बोलूँगा कि आप जो है इसका नोट्स प्रॉपर बनाएं, ठीक है, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो, मेन मेन पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रखा है। आप जो है कोडिंग कहीं पर भी कर सकते हो, आपका मन है, आपके पास कोई भी IDE है, ठीक है, आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। अगर आप जो ऑनलाइन कंपाइलर पर करना चाहते हो, तो आप सीधे गूगल में जाएं और वहाँ पर जो है आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर। मैं जो कोडशेफ का यहाँ पर प्रेफर करता हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर और C++ कोडशेफ का, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ करके ये जो है कंपाइल रन कोडशेफ के साइट पर जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जा करके अपने जो भी कोड है उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर मैं एक सिर्फ सिंपल सा कोड बोलता हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको यहाँ पर ट्राई कर लिखना है, तो आप उसको भी लिख करके ट्राई करो। ऐसा नहीं कि देख करके यार बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोडिंग आपको करनी है तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने कोड देखा और बोल दिया कि ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो, आपने यहाँ पर कोड लिखा और ये जो है आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर C++14 आप कर सकते, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर है और इनपुट यहाँ पर हम पहले ही देते हैं, इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा आगे, और यहाँ से रन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर है हमारा C++ का जो बेसिक कोडिंग का जो है इसका सिंटैक्स होता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारी क्या होती है, ये यहाँ पर हमारी होती है हेडर फाइल्स, और यहाँ पर हम लगाते हैं यूजिंग नेम स्पेस, STD नेम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम आगे अभी देखेंगे। ये हमारा होता है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, मेन फंक्शन हम यूज करते हैं हमारा कंपाइलर जो है जो भी कोड होता है वो यहीं से रीड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जहाँ भी उसको मेन नाम का फंक्शन मिलेगा वहीं से वो कोड को रीड करेगा। अगर आपके पूरे प्रोग्राम में मेन नाम का फंक्शन मिसिंग है, तो उसमें आपको एरर मिलेगी, ठीक है। ये C++ की बात कर रहा हूँ। और आपने पढ़ा होगा कि जो भी फंक्शन होता है ना, उसका कुछ रिटर्न टाइप होता है, तो इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा, इंट लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है आपका, ये फंक्शन की एक बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी है, इसमें हमने क्या किया, लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया, जो कि आपका इंटीजर है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़, हाँ, ये हेडर फाइल, हेडर फाइल का मतलब कुछ इस तरह समझो कि आप क्या करते हो ना, जब आप फंक्शन लिखते हो, आपने देखा होगा कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं, फंक्शन की एक डिक्लेरेशन होती है और दूसरी क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो हेडर फाइल कुछ इसी तरह की होती है कि हेडर फाइल में हमारा क्या होता है ना, जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है बस, ठीक है। और जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी हो गई कि हेडर फाइल और दूसरी है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि यार डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं डिक्लेरेशन बताता हूँ। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब होगा कि जैसे मैंने मान लो कि एक फंक्शन लिखा इंट ऐड, और इसमें दिया इंट ए इंट बी, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ ना कि एक जगह इसको इस तरह भी लिखता हूँ इंट ए, हाँ ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है सिर्फ हमने कंपाइलर को बताने के लिए, ये काम हम कहाँ पर करते हैं, ये बेसिकली हम करते हैं, इसको कट किया, और ये चीज़ होता है आपका मेन वगैरह के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया, और इसको कर दिया हमने कमेंट, ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो होता क्या है, कंपाइलर जो जब भी रन करता है तो कहाँ से रन करेगा, रीड करेगा, यहाँ से रीड करेगा। अब मैंने मान लो कि यहाँ पर जो है अपने कोड में टू दे दिया और बी की वैल्यू दे दिया है 5 दे दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सी आउट कर दिया, एड ए बी कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने कर दिया है। थोड़ा सा कोड बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, इसमें हम रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, होप ये चीज क्लियर होगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, जब आपका कंपाइलर रीड करेगा ना, तो सबसे पहले इसको रीड करेगा और इसके बाद से क्या आएगा, सी आउट ऐड। अब ये जो ऐड वाला फंक्शन है ना, ऐड वाले फंक्शन को अगर अगर हमने यहां पर ये जो है हमने ऊपर लिखा है वो डिक्लेरेशन है, अगर हमने इसको कमेंट कर दिया तो जैसे ही इसको ऐड वाला ये चीज दिखेगा ना, वो बोल देगा एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने कंपाइलर को पहले बताया नहीं। अगर हमने ऊपर कंपाइलर को बता दिया था कि ऐड नाम का एक फंक्शन है, तो वो समझ जाता, अच्छा ठीक है भाई, ये जो एक फंक्शन है इसको अब खोजना पड़ेगा, वो खोजता इस प्रोग्राम में, फिर नीचे आकर के और जगह खोजता कि यार कहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन है, जहाँ पर उसको मिलता फिर वो क्या करता, उसको रन कराता वो वैल्यूज रख करके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो है इसको बताया ही नहीं, और जब नहीं बताया तो क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो यही एक काम हमारा होता है कि हम सबसे पहले ऊपर ही अगर ये चीज़ कर कंपाइलर को बताने के लिए क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है हमारा डेफिनेशन, मतलब कि उस फंक्शन का मतलब क्या, वो करेगा क्या, काम क्या करेगा, वो चीज़ हम बताते हैं उसमें डेफिनेशन में, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी नीचे, अगर आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से हटा करके, यहाँ से हटा करके और यहाँ रखनी चाहिए, तो आपको जो है डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कंपाइलर को पहले ही पता चल गया, क्योंकि ऐड नाम का जो चीज़ है ना, ऐड नाम का जो फंक्शन है, वो उसको ऊपर ही दिख गया था कि ये जो है ऐड नाम का एक फंक्शन है और काम क्या कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन यहीं पर वो समझ गया, ठीक है। तो ये चीज़ पता लग गई, तो यही होता है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में हमारा एक्चुअल पूरा का पूरा कोड होता है, और डिक्लेरेशन में क्या होता है कि वो बस डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कि किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, किस टाइप का फंक्शन है, यानी उसका रिटर्न टाइप क्या है, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये आर्गुमेंट लेते हैं उसके बारे में बता देता है। तो बस यही होता है हमारा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ये चीज़ होती है। तो जो हमारा डिक्लेरेशन होता है ना, डिक्लेरेशन हमारे हेडर फाइल में होती हैं, ठीक है, जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने सी इन सी आउट ये सारे फंक्शंस अलग अलग देख रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये अलग अलग फंक्शंस हमारे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हेडर फाइल में इंक्लूड की गई है। अब उसका कोड क्या होगा, वो लाइब्रेरी में लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि हेडर फाइल क्या है और लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स। अब इसको जो हम एक बार रन भी करा देते हैं, हमने कोड को लिख दिया, तो
मेरा रन होकर के कितना आ गया, 7 यहाँ पर आउटपुट में आ गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट वाला सेक्शन है और यहाँ पर हमारा इनपुट वाला सेक्शन है, हमें इनपुट देना होगा तो हम यहाँ पर इनपुट देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, ये जो है काफ़ी थोड़ी सी आगे की चीज़ें हैं, ये टेम्पलेट लाइब्रेरी जो वगैरह जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, नेम स्पेसेस के बारे में। बट हाँ, अगर आपको जो है, मैं कोई बोल दे कि अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आप देखो, अगर नहीं यूज करोगे तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एसटीडी। ठीक है, और यहाँ पर है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपका होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने सपोज करो इसको नहीं लगा, ठीक है, मैं इसको कट किया और अब इसको रन कराता हूँ, तो आप देखो इसमें आपको एरर मिलेगा। अब देखो नीचे सी आउट नॉट डिक्लेयर समथिंग कुछ मिलेगा एरर। ठीक है, तो आप एरर यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर एसटीडी सी आउट एक्सटर्न ओ स्ट्रीम सी आउट लिंक टू स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये आपका पूरा का पूरा एरर वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर है सी आउट एरर वाले, यहाँ पर है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, वो उसको पता ही नहीं चला यार कि मतलब सी आउट है क्या। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपको डिबग करने आना चाहिए कोड में, जब एरर आता है तो आपको डिबग करने आना चाहिए, डिबग कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जब एरर देता है तो वहाँ पर आपको उसके साथ ही लाइन नंबर बता देता है और कुछ हिंट भी देता है कि वो क्या चीज़ को नहीं समझ पाया है कंपाइलर। तो यहाँ पर इसने लाइन नंबर बता दिया 692। ठीक है, 692 आपकी लाइन नंबर है, यानी कि आपको क्या करना है 692 लाइन नंबर में, और 3 आपका जो होता है ना ये कुछ कॉलम नंबर इस तरह से होता है। ठीक है, कॉलम या फिर आपने जो भी दे रखा है, यहाँ पर जैसे हमने टैब दे रखा था तो आपको ये चीज़ बताता है कि कौन से वाले टैब में है, तो 3rd वाले। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ लाइन नंबर ही पता चल जाए वही काफ़ी है, और कुछ मैसेज हमें मिल जाए जैसे सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, तो हमें आइडिया लग गया कि यार सी आउट के बारे में ना उसको पता नहीं लगा कि सी आउट है क्या। तो हमें जो है ये क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हटा दिया था। तो इसकी जगह पर अगर हमें जो है एसटीडी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये हमारा जो एकदम करेक्ट यहाँ पर चलेगा और सारा कुछ सही चला और फिनिश्ड इन दिस दे दिया, यानी कि रन हो गया आपका और यहाँ पर 7 दे दिया। अगर आपको पता नहीं लगा है तो हम यहाँ पर जो कोई एक नंबर ले लिया 51 ले लिया और इसको रन करा दिया तो आउटपुट में हमारा 53 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब एक और चीज़ आती है कि यार हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई फंक्शन होता है ना, फंक्शन के आगे उसका क्या लिखा होता है, रिटर्न टाइप लिखा होता है। लेकिन मैं दिखाता हूँ मैंने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। अब देखते हैं रन होता है कि नहीं, रन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये फिनिश्ड इन समथिंग और ये रन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब आपने देखा होगा कि यार अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर इंट है तो इंटीजर वैल्यू ही वो रिटर्न करेगा, और हमने तो यहाँ पर कुछ रिटर्न ही नहीं कराया। ठीक है, अगर आपने वाइड लिखा और फिर आप रिटर्न कराओगे तो देखो क्या होगा, आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिखा वाइड और इसको आपने कमेंट को हटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है, मस्ट रिटर्न इंट, यानी कि आपने रिटर्न टाइप जो 0 दे दिया तो आपको बोला कि भाई रिटर्न टाइप इसका इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जब आपने यहाँ पर इंट लिखा और आपने यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कराया तो आपका यहाँ पर क्यों नहीं एरर दिया। ठीक है, आपका ये रन हो जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि ये पहले जो हमारे कंपाइलर्स होते थे वो एरर देते थे, लेकिन आज के टाइम के जो कंपाइलर्स हैं वो थोड़े से एडवांस बना दिए गए यार, अगर जो है कोई बंदा यहाँ पर रिटर्न टाइप 0 देना भूल जाता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर रिटर्न टाइप 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर वो एरर नहीं देता है, तो बस यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आपको इतना पता हो गया कि सी आउट हमारा क्या क्यों यूज किया जाता है, सी आउट यूज किया जाता है कि आउटपुट देने के लिए। ठीक है, सी आउट हमारा यूज किया जाता है आउटपुट देने के लिए। ठीक है, देखो सी इन हमारा होता है, ये होता है इनपुट लेने के लिए, तो सी इन हमारा हो जाता है इनपुट लेने के लिए। अगर मुझे जो है कोई एक नंबर इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
वो नंबर जो है यहाँ पर वेरिएबल वहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। तो मैंने मान लो कि नम नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें जो है एक नंबर को इनपुट कर लिया, फिर सी आउट करा दिया नम को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट वाला सेक्शन मेरा यहाँ है, मैं कोई एक नंबर दे दूँगा 87 दे दिया, तो आउटपुट कराऊँगा, तो मेरा आउटपुट में ओके। अभी मैंने नेम स्पेसेस को नहीं किया है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, और अब इसको रन कराता हूँ तो आपका जो 87 आ गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि दो चीज़ें यहाँ पर मैं सी आउट कराता हूँ, सी आउट नाम, जो है मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है आप अपना आंसर देखते रहिए और हम इसको रन कराते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसका जो आउटपुट आया 87 और फिर नम आया, तो यहाँ पर इस नम की जगह पर 87 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो इसमें जो है एक चीज़ है ध्यान रखनी आपकी, कि जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो एज इट इज उस वेरिएबल का हमें नाम लिख देना होगा, ठीक है। लेकिन जब भी हमें कोई एक वर्ड प्रिंट कराना होगा, यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट करानी होगी एज इट इज, तो हमें उसको क्या करना होगा, डबल कोट्स के अंदर उसको लिखना रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना होगा, डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ भी रख दिया, वो सब के सब चीज़ जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दिया और आप देखो यहाँ पर वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इसको डबल कोट्स में नहीं किया, तो इसलिए क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट किया है। अब ये जो देखिए, ये एक हमारा ऑपरेटर होता है और ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमारा इंसर्शन और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। तो वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बट आप याद रखोगे तो बेटर है, ठीक है। सी इन यानी कि इनपुट हो रहा है, तो इसका जो थोड़ा सा देख लो अपोजिट में नाम हमें लगता है थोड़ा सा, कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसका नाम रखा गया, और ये जो है इंसर्शन ऑपरेटर। अब जब भी आपको कोई चीज़ इसमें अपेंड करनी, यानी कि इसमें जोड़नी हुई सी आउट के साथ में, अब क्या करोगे, ये वाला ऑपरेटर यूज करके उसके बाद उसकी वो चीज़ लिख दोगे। जैसे मान लो मुझे लिख और कुछ प्रिंट कराना हो, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो, मैं क्या करूँगा ना, इसमें ये वाला ऑपरेटर यूज करके, और स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें मान लो सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेगा, ये जो है नम वाली वैल्यू प्रिंट कर लेगा, फिर क्या देख रहा है एंड एल, यानी कि एंड एल क्या होता है ना, कि एंड लाइन, ये क्या करता है कि जो भी लाइन में आपने प्रिंट किया था ये चीज, अब नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा, अब नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद से वो प्रिंट करेगा सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो इसको रन कराएंगे और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको हमने रन कराया और आप देख सकते हैं कि 87 और इसका से सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो आपको इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ें इसमें प्रिंट कर सकते हो। अगर फिर आपको कुछ और प्रिंट करना हुआ, मान लो कि एक और वेरिएबल, यानी सेम नम नाम का वेरिएबल को ही प्रिंट कराना हुआ, ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू है नम की, तो आप क्या करोगे यहाँ पर ये चीज़ कर दोगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ जिससे कि ये नाउ और जो ये वैल्यू है 87 इनके बीच में ये स्पेस रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा 87 प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी और न्यू लाइन का से सब्सक्राइब नाउ प्रिंट होगा, फिर स्पेस और फिर 87 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका आंसर इस तरह से हो गया, ठीक है। एंडल आप यूज करते हो न्यू लाइन के लिए, या फिर आप क्या करते हो डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन कर दोगे, तब भी आपका क्या करेगा वो न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप देखो सेम हमारा आंसर आया है। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आप क्या करोगे, इसको भी हटाओ और यहाँ पर बैक स्लैश एन कर दोगे, ठीक है। तो बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, आपको क्या करना है डबल कोट्स के अंदर कहीं भी रखोगे वो क्या करेगा न्यू लाइन में वो सारी चीज़ को प्रिंट कर देगा। तो हमने फिर इसको रन कराया तो आप देखो कि सेम चीज़ आपका प्रिंट रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको सी आउट के बारे में पता हो गया। अब मान लो कि मुझे जो है
तीन चार ऐसे इनपुट लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर बना लिया नम वन, नम टू, नम थ्री, ये तीन वेरिएबल मैंने बना लिए। तो मैं क्या करूँगा, सीन कराने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, कि या तो मैं इस तरह से सीन किया एक बार, ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर नम थ्री, यहाँ पर जो है नम टू, और फिर जो है नम वन, नम टू, और देखो स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस के लिए डबल कोट्स और फिर वो चीज़ लगा दिया, और नम थ्री मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो एक चीज़ देखो क्या मैंने किया, कि मैंने जो है यहाँ पर तीन वेरिएबल बनाए, नम वन नाम का, नम टू नाम का और नम थ्री नाम का। अब जो है तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए मैंने एक बार में इनको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ना इंट और नम वन, नम टू, नम थ्री। अब मैंने क्या किया, सीन एक बार कराया, फिर सीन, फिर सीन, ये तो हो गया कि हमारा यार इस तरह से हमने किया। एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर एक नंबर दे दिया 356, सॉरी सॉरी सॉरी, कर्सर इसमें रखेंगे यहाँ पर हमारा एरर दे रहा है, ठीक है, तो एरर को मैं निकाल पहचानने आना चाहिए। एरर में क्या बोला है, 694 लाइन नंबर है, 694 लाइन नंबर में बोल रहा है एरर, नम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, नम यानी कि हमें पता लगे कि नम नाम का तो कोई वेरिएबल हमने बनाया नहीं इसमें, तो इसको हमें कोई नाम देना होगा या फिर हम इसको हटा देते हैं, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखो कि हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया हुआ है और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि जब आप कोड करोगे तो यही चीज़ें होंगी जो आपको कन्फ्यूज करेंगी कि क्या इस तरह से हमने लिखा तो ये हमारा सही है, या फिर हमें जो है इस तरह के जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है इसको लगा करके यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। अब हम फिर इसको रन कराते हैं, आप रन कराओगे तो आप देखो आपका क्या आ गया, 87 आ गया, सब्सक्राइब नाउ करके आ गया। फिर आपका नम टू की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी जो दूसरा वाला वेरिएबल है थ्री है, तीसरा वाला वेरिएबल 56 इसमें स्टोर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आउटपुट कर दिया, सारा कुछ आपका यहाँ पर आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई, लेकिन हम क्या करना कि यार तीन लाइन में हमने इनपुट कराया है, ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमने इसके लिए तीन लाइन लिख दिया था। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहीं पर सेम ऑपरेटर यूज करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और नम टू, और अगेन यहाँ पर नम थ्री, और ये तीनों वेरिएबल में वैल्यूज वन बाय वन आ जाएंगे, यानी कि ये सीक्वेंस में आती है, सबसे पहले वाली वैल्यू सबसे पहले वाले में आएगी, सेकंड वाली वैल्यू जो है आपकी इसमें आएगी, और थर्ड वाली वैल्यू इसमें स्टोर होगी, तो तीनों वैल्यूज स्टोर होंगे। ठीक है, सीन जो हमारा वेरिएबल होता है ये हमारा इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और सी आउट जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट करने के लिए। ठीक है, तो सेम जो है कोड को मैं एक बार रन कराऊंगा, बस वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, 5 कर दिया इसको जो है। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पर जो भी चेंजेस हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि सीन और सी आउट आपको कैसे यूज करने हैं। अब यार सी प्लस प्लस में हमारे बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज की जाती हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए हम मैथ डॉट एच नाम का जो हमारी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं। फिर वेक्टर अगर यूज करना है तो उनके लिए वेक्टर, जो वेक्टर वाली हेडर फाइल है उनको इंक्लूड करना पड़ता है। बट हमारे पास एक फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल हेडर फाइल इंक्लूड करके सारा काम करा सकते हैं, और वो है बिट्स स्लैश stdc++.h। ठीक है, अब ये जो है क्या करता है, जितनी भी हमारी ये बेसिक वाली हेडर फाइल्स होती हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती हैं, वो सारी की सारी हेडर फाइल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक सिंगल हेडर फाइल का यूज करके अपने सारे के सारे फंक्शंस को यहाँ पर लिख सकते हो, और आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
अब देखो होता क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम का मतलब यूँ ये समझो, देखो कि हमारा जो ये जो कोड है लिखा है, ये कोड क्या होगा जो है कंपाइल होकर के, सारा कुछ होकर के बाइनरी कोड में हमारा, यानी कि 0101 में हमारा इस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये हमारा होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम आप जो है देखते हो कि जब भी आप ऑनलाइन साइट्स पर कोडिंग करते हो, तो वहाँ पर जो है आपके एक लिमिट दी होती है कि आपका जो कोड है वो 1 सेकेंड के अंदर टेस्ट केसेस को पास कर जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है आपका रन टाइम होता है, कि आपका जो कोड है ना वो उसका रन टाइम कितना है, कि इतने 1 सेकेंड के अंदर जो है वो कोड रन हो जाना चाहिए जो भी टेस्ट केसेस दिए गए हैं। तो वो वहाँ पर जो कंपाइल टाइम को वो नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये जो हेडर फाइल है, इसमें बहुत सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड होने के बावजूद भी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर आपका कोड काफ़ी जो है एक तरह से बोल सकते हैं हैवी है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है, तो हमें वहाँ पर मिलता है रन टाइम एरर, या फिर सॉरी रन टाइम नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड मिलता है। ठीक है, आपको मिलता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, आपको यहाँ पर एक टाइम दी होती है कि इतना टाइम के अंदर आपका हो जाना चाहिए, तो टाइम लिमिट जब एक्सीडेड आपको एरर मिलता है, तो वो जो एरर होता है आपके टेस्ट केसेस के लिए होता है कि यार आपके टेस्ट केसेस हैं और वो जो कोड है वो कोड उन टेस्ट केसेस के लिए उतने समय में पूरा का वो पूरा चल जाना चाहिए। ठीक है, वो टेस्ट केस है उसके लिए चल जाना चाहिए, टेस्ट केस के लिए वो चल जाना चाहिए उतने समय में। अगर वो कोड उससे ज़्यादा समय लेता है तो आपका क्या होगा कि वो जो है कोड आपका एरर दे देगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर मिल जाएगा। तो वही चीज़ है कि यार कुछ लोगों के डाउट होता है कि ये जो हमारी हेडर फाइल है, इसमें अगर सारी की सारी हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जा रही हैं, तो हमारा कोड तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जब कोड लंबा हो जाएगा तो हमारा जो कंपाइल टाइम है, ये जो हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड से बाइनरी कोड में जो कन्वर्जन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह से हमें ये वाला एरर नहीं मिलेगा क्या? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये वाला एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके रन, जब ये रन होता है कोड, उस टाइम पर ये जो टाइम देखी जाती है, ठीक है, कंपाइल टाइम नहीं देखी जाती है, कंपाइल टाइम नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वाली हेडर फाइल का यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने वेरिएबल्स यूज कर लिए हैं, बट उनका नॉलेज थोड़ा सा होना ज़रूरी है। वेरिएबल्स यार हमारी वैल्यूज जो होती हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक्चुअल में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी में एक स्पेस का नाम दिया गया है वो। ठीक है, अब इसको कुछ यूँ समझो कि अगर आपके पास जो है एक मेमोरी पूरी पड़ी है, ठीक है, आप मान लेते हो कि 1 TB की आपकी मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई कैसे पता लगेगा कि आपका ये वाला जो फोटो है ना, जिसमें आप मैगी खा रहे हो बैठ के, ठीक है, ये फोटो कहाँ पर पड़ा है? अगर आप इसको चाहिए, आपको एक्सेस करना है, तो आपको ये फोटो कैसे मिलेगा? ठीक है, आपका जो गाना है, सॉन्ग है, ये कहाँ पर है? ये आपकी मूवी है, उसको कैसे एक्सेस करना है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ कैसे पता लगेगी? ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो तभी पता लगती हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इन इन सभी का एड्रेस पता हो, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। और वो एड्रेस के लिए कैसे हमें पता लगेगा? तो वो सभी एड्रेस जो हैं, एक तरह से हम बोलते हैं कि यार ये जो मेमोरी स्पेस है, इसका एक एड्रेस हुआ, ठीक है, इसका एक एड्रेस हुआ, तो सभी एड्रेस को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, वही हमारे, उनको हम बोल देते हैं वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। यानी कि अगर हमने नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो हमने एक्चुअल में क्या किया हुआ है, हमने एक मेमोरी में स्पेस को नाम दे दिया है। ठीक है, उसने उसमें हमने एक नाम दे दिया है, और यहाँ पर जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि नम में एक वैल्यू स्टोर की हमने,
इसका मतलब ये होगा कि इस स्पेस पर, जिस स्पेस का नाम नम रखा हमने, वहाँ पर हमने एक वैल्यू को स्टोर कर रखा है, ठीक है। और वो वैल्यू कुछ भी होगी, मान लो 5 है, तो एक 5 यानी कि इंट नम, और यहाँ पर हमने 5 किया था, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू है जो कि स्टोर है इस नम वाले स्पेस में, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। फिर हमारे आते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, कुछ बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। डेटा टाइप्स, ठीक है, ये भूल हो गया, बोलिए। अब इनका जो है सबका मतलब समझो, क्यों, किसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, और ये जो है ना अलग अलग डेटा टाइप देने का क्या मतलब है, क्यों अलग अलग डेटा टाइप दिए गए। अब देखो यार, इसका सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो आपने 1 किलो यहाँ पर शुगर खरीद करके लाई है मार्केट से, ठीक है, आपको इसको स्टोर करना है। आपके पास है एक 1 kg का कंटेनर और एक है आपके पास यहाँ पर 10 kg का कंटेनर, तो आप किस में प्रेफर करोगे इसको रखना, इसमें या फिर इसमें? ऑब्वियस सी बात है, आप 1 kg वाले में इसको रखोगे, ठीक है, इस वाले कंटेनर में। 10 kg में क्यों नहीं रखा आपने? क्योंकि 10 kg में अगर आपने रखा तो ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपका वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको बिना ज़रूरत की चीज स्पेस आप यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। अगर मैंने बोल दिया कि यार आपको कंटेनर खरीदना भी है, ठीक है, मैं ये चीज़ बोल दे रहा हूँ कि आपको कंटेनर खरीदना भी है, तो आप इसमें अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हो इसको खरीदने के लिए 10 kg वाले को, ठीक है, क्योंकि आपको काम कितने का है, सिर्फ 1 kg का है। आप 10 kg का खरीद करके क्या करोगे, इसलिए आप 1 kg का खरीदोगे, यानी कि आपको थोड़ी सी वाइब्स आ रही होगी कि यार हम क्यों जो है डेटा टाइप्स यूज करते हैं। डेटा टाइप्स हमारे इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमारा जो मेमोरी है उसमें कितना स्पेस मिलेगा एक वेरिएबल को, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कैर और यहाँ पर वायर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो इस वायर नाम का जो वेरिएबल, इसको कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा मेमोरी में, यहाँ पर रिजर्व किया जाएगा, वो बताता है ये जो आपका डेटा टाइप है, ठीक है, यानी कि 1 byte आपका स्पेस ये यहाँ पर कवर करता है, तो 1 byte ही होगा, ठीक है। अगर आपको इंटीजर की ज़रूरत है, इंटीजर डेटा टाइप की, तो आप इंटीजर डेटा टाइप नाम का, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप रखोगे एक वेरिएबल का, और ये क्या करेगा, 4 byte आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो जहाँ आपको 1 byte स्पेस की आवश्यकता है वहाँ पर आप कैरेक्टर वाले को यूज करते हो, जहाँ पर आपको 4 की ज़रूरत है वहाँ पर आप क्या करोगे, 4 के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे आपकी जहाँ पर आवश्यकता होती है आप क्या करते हो, वैसे डेटा टाइप यूज करते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि यार हम डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इनकी साइज क्या क्या होती है। इसकी साइज होती है 1 byte, फ्लोट की होती है आपकी 4 byte, डबल की 8 byte, तो बुलियन जो आपका होता है वो भी होता है 2 bytes का होता है, ठीक है, और आपका इंटीजर 4 byte का होता है, और आपका लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर होता है 8 byte का, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, जनरल आपके जो यहाँ पर साइज है वो गिवेन है, ये सभी चीज़ें जो है आपकी डिपेंड करती हैं आपका सिस्टम कैसा है, आपका कंपाइलर का साइज क्या है, मतलब ठीक है कितना बिट साइज का, 32 बिट का है या 64 बिट का है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिस्टम और कंपाइलर पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि इनकी क्या साइज है। अब कैरेक्टर और फ्लोट और डबल, तो सबसे पहले इंटीजर की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका होता है, इंटीजर एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आपका कोई भी डेसिमल वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है, उसमें सिर्फ वो आपके क्या होंगे, प्योर डिजिट्स होंगे, उसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा, वो आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। और जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 23 ले लिया, या फिर इसमें 7, 8, 3, 9, ये ऐड करते गए तो क्या होगा, इसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, डिजिट्स हैं, ये आपका होता है इंटीजर, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका, अब देखो इंटीजर हो गया और दूसरा हमने क्या लिखा था, लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखा था।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट में? तो देखो होता क्या है ना कि इसकी मैंने क्या बताई थी साइज, बताई थी 4 बाइट, इसकी साइज क्या बताई थी 8 बाइट। बस डिफरेंस इसी का है, साइज का डिफरेंस है। साइज के डिफरेंस की वजह से क्या होता है ना कि जो ये वैल्यू ले सकते हैं खुद में, मतलब कि वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो रेंज स्टोर कर सकते हैं, वो इन दोनों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि अगर इसका जो अप्रॉक्स में जो आता है, जो रेंज आती है, वो आती है -10^9 से लेकर के +10^9 तक की वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये -10^18 से लेकर के 10^18 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस। अब देखो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अगर मान लो मैंने बोला कि ये जो है एक लिमिट मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ये जो है आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, एक नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में 0 है, आपका हो गया 10^9 सबसे लास्ट वाला, और ये हो गया इधर 10^ ये -10^9 है। तो जैसे ही अगर कोई वैल्यू इससे ये +1 भी किया तो क्या होगा, तुरंत रैप करके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने प्रिंट कराया एक वैल्यू, एक इंटीजर है, इंटीजर ए, और इसमें मैंने रखा 10^9, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर मैंने बता रखा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये मैंने ऑर्डर बता रखा है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये जो है एक ऐसी वैल्यू है जिसके बाद से इसमें कोई और वैल्यू इस इंटीजर में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैंने +1 किया तो क्या होगा कि ये जो नंबर है ना ये रैप करके आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में, एकदम जो निगेटिव वाला, जो सबसे लोवेस्ट इसका वैल्यू है जो स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर आ जाएगा। फिर +1 मैं करूँगा तो अब वो इधर की तरफ खिसकने लगेगा, जैसे +1 करता जाऊँगा वो खिसकता हुआ आगे बढ़ता हुआ ये सभी वैल्यूज लेता रहेगा। एट द एंड फिर क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा, फिर वो रैप कर देगा। यानी इसी में गोल गोल घूमता रहता है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। यानी कि जैसे ही इस चीज़ से ज़्यादा होगी वैल्यू उसको बोल देते हैं ओवरफ्लो। उस कुछ इस तरह से समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है और ये जो है 1 लीटर का ही है कंटेनर, और हमने जो है 2 लीटर इसमें पानी डालने की कोशिश की तो 1 लीटर तो पानी आ गया, बाकी जो 1 लीटर पानी वो क्या होगा बाहर गिर जाएगा। तो जो पानी बाहर गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। वो जो है उसमें नहीं आया, उससे बाहर निकल गया, बाहर छलक गया, तो हो गया हमारा ओवरफ्लो। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें कोई एक ऐसा नंबर स्टोर करना होता है जो कि 10^9 के ऑर्डर से भी बड़ा नंबर है, तो हम प्रेफर करते हैं उसका डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग इन, जिससे कि वो जो है इतनी बड़ी वैल्यूज को भी स्टोर कर सके, ठीक है। अगर हमने कोशिश किया कि इससे बड़ी वैल्यू इसी में स्टोर करने की, तो वो सही सही स्टोर ना करके कुछ और वैल्यू बन करके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट में क्या फ़र्क है, और हम इस पर बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। अब मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, दो नंबर्स को आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और दोनों नंबर्स आपके हैं इंटीजर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ मेरी इस तरह से है कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स, और यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं बोथ आर इंटीजर, और रेस्ट्रिक्शन हम बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन आपका दे रखा कि यार जो आपकी जो है ना एक नंबर, एक इंटीजर मान लेते हैं ए है, तो जो इंटीजर ए है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के आपकी हो सकती है 10^5 तक। दूसरी आपकी वैल्यू जो आपकी दूसरी इंटीजर है इंट बी, इसकी भी वैल्यू हो सकती है 10^5 तक, और इनका जो है हमें मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है कि क्या होगा।
ठीक है, तो आप जो है इसका आप खुद जो है अगर आपको आता है थोड़ा भी कोडिंग करना, तो आप इसका कोड लिखिए और फिर जो है यहाँ पर मेरा आंसर देखिए कि क्या आता है मेरे आंसर, मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दो नंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है, दो नंबर्स के नहीं बल्कि दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है चीज़। अब मैंने क्या किया, या तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता हूँ सी आउट, और ये किया यहाँ पर नम वन इंटू में नम टू, लेकिन अभी हमने इनपुट नहीं लिया है, तो हम क्या करेंगे सी इन और यहाँ पर नम वन, और दूसरा हमारा हो जाएगा नम टू। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कि ये इंटीजर है नम वन और नम टू, और दोनों में हमने इनपुट ले लिया और सी आउट कर दिया नम वन और नम टू का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो तीन नंबर्स हैं, तो दो नंबर से इनपुट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए 24 आ जाना चाहिए, ठीक है, 24 आ गया। आप बोलोगे हाँ यार एकदम हमारा कोड सही हो गया, एकदम चल रहा है मस्त एकदम, आप भी खुश हो जाओगे देख करके इसको, ठीक है। लेकिन आप लेकर क्या है मेरे पास यही कोड। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं जो है सिर्फ एक टेस्ट केस से ऐसे नहीं बोलूँगा कि यार ये आपका कोड सही है, मुझे देखना है रेस्ट्रिक्शन जो दे रखा है। और जितने भी आपके कोड होते हैं मोस्टली आप मिडल वाले केसेस तो पास करा लेते हो, लेकिन जो आपके एजेस पर होते हैं टेस्ट केसेस वो काफ़ी जो आसानी से पास नहीं होते हैं, काफ़ी बार हमें उन्हीं में मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि जीरो और जीरो एक एज पर हैं, इनको हमने रख करके देखा, रन कराया जीरो आ जाएगा, ठीक है, पक्का एकदम बढ़िया चल गया। दूसरा हमारा था 10 के पावर 5, एक हो गया, दूसरा हमने ले लिया 10 के पावर 5। अब रन करा करके देखते हैं कितना आना चाहिए, 10 के पावर 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या दे रहा है, ये तो कुछ और ही आ गया यार, मतलब 10 के पावर 10 तो आना चाहिए था लेकिन आया कितना है, ये तो कुछ और नंबर, बहुत ही अजीब सा नंबर आ गया, ठीक है। हमने तो ऐसा कुछ नंबर ही नहीं दिया कि ये मल्टीप्लाई होकर के इस तरह से आए। तो अब जो है यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, आप खुद सोचो कि क्या यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो करके आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो करके आपका आना तो चाहिए था 10 के पावर 10, लेकिन हुआ क्या कि गड़बड़ एक जगह हो गई कि आपने इसको डिक्लेयर किया था नम वन, इसको डिक्लेयर किया था नम टू, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो अब देखो होता क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि यार हवा में लटकता रहेगा ऐसे, और आपका जो यहाँ पर हवा में लटका है 10 के पावर 10, आपने आउटपुट कराया आउटपुट में आ गया, नहीं, ये जो जो भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हुआ है ये मल्टीप्लाई होकर के कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा, भले आपने ना किया हो किसी वेरिएबल में, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा वो सिस्टम में, और वो जब सिस्टम में स्टोर होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि वेरिएबल कैसे हैं, वेरिएबल्स देखा भैया कि इंटीजर है, उसने भी क्या किया इंटीजर वैल्यू यहाँ पर एक इंटीजर स्पेस इनके लिए दे दिया, और जब इंटीजर स्पेस दिया तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी रेंज ही कहाँ से कहाँ तक होती है, 9 -10 के पावर 9 से +10 के पावर 9 तक, और ये आपका वैल्यू कितना है 10 के पावर 10 है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 10 के पावर 10 वैल्यू आने की वजह से इस इंटीजर वाली स्पेस में वो नहीं आ पाया और यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और वो जो है फिर से इसी क्रम में आगे बढ़ा और एक कुछ ऐसी वैल्यू पर आकर के रुका है, ठीक है, और वही वैल्यू हमारी क्या हुई यहाँ पर सी आउट हो गई। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि यार हम इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ये जो है हमारा इतना सा इस वाले क्वेश्चन का मकसद था आपको ये चीज़ समझाना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इंट रखेंगे तो हमारा कोड एकदम मस्त चलेगा, ठीक है, जो भी हमें आंसर चाहिए हैं 10 के पावर 10 आप देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इसमें काउंट कर सकते हो, आपको 10 जीरोस मिल जाएंगे।
आई होप ये चीज क्लियर हो गई, इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट में क्या डिफरेंस है। अब इंटीजर वाला हो गया, इसका आपका आता है डबल और फ्लोट, ठीक है। तो डबल और फ्लोट आपका यहाँ पर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यार फ्लोट और डबल ये दो क्या चीज़ हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमें ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बस चीज़ होता है कि प्रेसीजन के लिए हम जो ज़्यादा प्रेसीजन चाहिए तो हमें डबल यूज कर लेते हैं, बाकी आपके जितने भी मोस्टली काम हैं वो आपके फ्लोट से हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोट का मतलब ये होगा कि आपके जो भी नंबर्स हैं ना उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने लिखा कि एक वेरिएबल मैंने बनाया कि फ्लोट और ये मेरा है वेरिएबल वैर नाम का, तो इसमें मैं कैसी वैल्यूज स्टोर करूँगा, इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ 23.5, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो डेसिमल वाली चीज़ आ रही है, ठीक है, आप इसको सी आउट कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर आपने किया होता किसके साथ, इंटीजर इंट वायर, और इसमें अगर आपने स्टोर किया होता वायर 23.5, तो क्या आपका आंसर क्या आता अगर आप सी आउट कराते। आप ज़रूर सोचिए, और अगर आप जो आपको आंसर इसका आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यार ये जो चीज़ है मैंने अभी क्या बताया था कि इंटीजर वैल्यू क्या करता है, उसकी एक लिमिट है कि वो कैसी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, कहाँ तक की वैल्यूज को। तो वो क्या करेगा कि ये जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं ना इनको वो छोड़ देता है, उनको नहीं स्टोर कर पाएगा, सिर्फ जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको स्टोर कर लेगा। तो 23 को स्टोर कर लेगा, और सी आउट अगर हमने वायर को कराया जो वेरिएबल है तो 23 हमारा यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम इसके लिए सी आउट कराएंगे, सी आउट वायर किया हमने, तो 23.5 पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा किस तरह का यहाँ पर होता है काम। यहाँ पर जो है मैं दो वेरिएबल्स यूज करूँगा। एक वेरिएबल हो गया इंट नम वन, और दूसरा मैंने कर लिया फ्लोट नम टू, ठीक है। अब दोनों में मैं यहीं पर साथ के साथ वैल्यूज भी स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें स्टोर किया 89.9 कर लिया, और इसमें भी सेम वैल्यू हमने कर लिया 89.9 को। अब हम क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे, और सी आउट में हमने नम वन और यहाँ पर स्पेस कर दिया, और फिर कर दिया हमने नम टू को, ठीक है। तो अब देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए। वैसे तो अगर किसी से आप बोलोगे कि यार इस वाले वेरिएबल में भी हमने 89.9 को स्टोर किया है, इसमें भी हमने 89.9 को स्टोर किया है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 89.9 इन दोनों में आना चाहिए। बट होगा क्या, इंटीजर वाला क्या करेगा ना, ट्रंकेट कर देगा इसको 89 में, और हमारा फ्लोट वाला पूरा का पूरा इसको आउटपुट करेगा। तो इसको हम रन कराएंगे तो हमारा देखो 89 और 89.9 दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करता है कि एक कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी ये फ्लोट वाली वैल्यू है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, एक और यहीं पर हम बना लेते हैं कि एक हमने वेरिएबल बनाया फ्लोट और नम थ्री नाम से वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया ना, यहाँ पर हमने अगर 87 ये लिख दिया, तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा एक्चुअल में ये दिखने में तो कैसा है, दिखने में इंटीजर है, बट आउटपुट हमारा फ्लोट रहेगा। भले ही वो शो ना करे 87.0 से शो ना करे, बट वो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में हमारा एक फ्लोट वैल्यू होगी, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या हमने रखा है, हमने इसका डेटा टाइप रखा है फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 87 ही आएगा, वो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हमारा 87 क्यों आ रहा है, 87.0 क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर फ्लोट और इस तरह से आपका जो है जब भी रहेगा तो आपका टाइप कास्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो अभी हम कुछ और भी देखेंगे, ऐसे टाइप कास्टिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपको फंसा भी सकता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम लॉजिक खुद क्रिएट करते हैं, लॉजिक जब बनाते हैं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता, तो हमें एक छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो पूरा कोड है वो सब कुछ सही है, लेकिन ये कहाँ से एरर आ रही है, या फिर हमारा जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, तभी तो आउटपुट नहीं आता, लेकिन हम उस गलती को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये जब चीज़ आपको क्लियर होगी तो आप उन सभी गलतियों को पकड़ पाओगे।
ये तो हो गया हमारा इंटीजर, हो गया फ्लोट, हो गया ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुलियन वैल्यूज क्या होती है। तो बुलियन वैल्यूज जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हमारा डेटा टाइप क्या होता है, बूल होता है ठीक है। इसका नाम होता है बूल, यानी कि अगर मुझे कि एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, बुलियन वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा बूल और वैर ठीक है। अब एक कैसी वैल्यूज लेता है, तो आपको पता है यार बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं। बुलियन वैल्यूज होती हैं या आइदर 0 और 1, यानी कि आइदर फॉल्स और ट्रू, ये दो ही वैल्यूज होती हैं ठीक है। तो 0 कब होती हैं और 1 कब होती है, तो 0 तब होती है अगर उसकी वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 है, तब उस वेरिएबल में जो है वो 0 स्टोर होगा। बट अगर उस वेरिएबल की वैल्यू ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आपने किसी भी तरह से 0 के अलावा कुछ भी रख दिया, 0.2 रख दिया या फिर 0.4 रख दिया, उसका मतलब वो क्या समझेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ठीक है। उसको ये 0.4, 0.2, 100 ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, उसको बस ये दिखेंगे कि भैया ये कितना है, 1 है बस ठीक है। इसको हम एक कोड की हेल्प से आपको दिखाना, यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहेंगे। यहाँ पर लिया बूल, सर यहाँ का बूल, और यहाँ पर हमने लिखा वायर, और इसमें हमने कोई एक वैल्यू दे दिया ठीक है। तो अब इसको देखिए सी आउट कराएंगे, तो हमारा वायर की वैल्यू क्या आएगा, 1A एज ए आउटपुट देगा ठीक है। वैसे तो 98 देना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि इसका डेटा टाइप हमारा जो है बुलियन हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट कितना आया, 1 आया। अगर हमने 0.0.1 भी दे दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 लिखा, अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा ठीक है। तो ये होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। अब हमारा एक डेटा टाइप बच रहा है, वो है कि कैरेक्टर डेटा टाइप ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है, कि आपने देखा था कि स्ट्रिंग अगर आपकी हो तो स्ट्रिंग को हमें आउटपुट कराने के लिए डबल कोट्स यूज करते हैं। या और एक चीज़ और नोट कर लो कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप में ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रिंग, जैसे आपने इंट यूज किया था वैसे आपका क्या है, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया और ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग इसमें स्टोर करनी चाहिए तो उसको आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है ठीक है। यानी कि ये जो हेलो है ये आपका कुछ इस तरह से, जैसे इंट वायर और इसमें हम 20 लिखते थे, तो जो 20 है क्या, एक वैल्यू है जो कि कैसे इंटीजर टाइप की है और इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। ऐसे ही हेलो जो है क्या, एक स्ट्रिंग है जो कि इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो हमें इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ता है ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ऐसे ही हमें जब कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, तो कैर नाम का ये तो हो गया डेटा टाइप, और यहाँ पर हमें वेर 1 लिख लिया और इसमें हमें स्टोर करना हुआ मान लो ए, तो हम क्या करते हैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं ठीक है। और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार। आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें ऐसे ही अभी हमें देखने हैं, और ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करते रहना है। और फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और यार चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये जो है पूरी लेक्चर सीरीज लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये दिक्कत कभी ना हो कि यार हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, अगर एक लैंग्वेज आती भी है तो क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी, और आप देखना आपके इंटरव्यू वगैरह सारे कुछ इससे इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएंगे ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।